हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। चलिए, इस वीडियो में आज वीक लेके आऊँगा एक और नई कस्टम रोम। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पैरानॉइड रोम है हमारी। एंड्रॉयड 10 वर्जन है लेटेस्ट। फरवरी का पैच मिलेगा आपको इसके अंदर, 7 फरवरी का इसमें 2020। आप देख सकते हैं, रेडमी 5 के लिए है, दूसरे फ़ोन के लिए नहीं है, ओनली रेडमी 5 में फ्लैश करना है। ठीक है, आप देख सकते हैं, एंड्रॉयड 10 वर्जन मिलेगा आपको लेटेस्ट। बिल्कुल ओके वर्किंग है यहाँ पे, ओरिजिनल, बिल्कुल कोई कमी वाली बात नहीं है। अभी बेटा टेस्टिंग में है, डेवलपर ऑप्शन में आए, तो अभी इसमें आपको बग्स देखने के लिए मिल जाएंगे। तो अभी ट्राई मत करना, जैसे आपको बग्स अगर आपको ट्राई करना है तो कर सकते हो, अपने रिस्क पे करना ट्राई। इसमें बग्स मिलेंगे, आप देख सकते हैं, 5 फरवरी का आपको सिक्योरिटी पैच है, बिल्ड आपको 7 फरवरी का मिलेगा इसके अंदर। ठीक है, बिल्ड नंबर भी आप देख सकते हैं, कर्नल भी आप देख सकते हैं, इसमें कस्टम कर्नल भी आप इंस्टॉल कर सकते हो इसमें ईजिली। चलिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी ये पैरानॉइड रोजी यूज़र डीबग देख सकते हैं। यहाँ पे फीचर्स की बात करेंगे अब हम। यहाँ पे आप देखते हैं, मैंने जियो इंस्टॉल कर रखा है, पर इसमें आपको वोल्ट नहीं मिल रहा आपको इसके अंदर। मैं कभी कभी वोल्ट नहीं मिल रहा था, मैंने ट्राई करा था, और आप ही देख सकते हैं, इसमें जियो मैं अभी नेट चला रहा हूँ, उसमें हमारा नेट भी नहीं कनेक्ट हो रहा। इसमें एक बग अभी डेवलपर में ही है, अभी ज़्यादा स्टेबल नहीं हुई है रोम, तो ऐसे अपने रिस्क पर ही इंस्टॉल करना, क्योंकि इसमें ज़्यादा बग्स मिल जाएंगे आपको, आपको दिक्कत होगी, भी परेशानी होगी। यहाँ पे आप देखते हैं, ब्राइटनेस भी टेस्ट कर लेते हैं, हमारी ब्राइटनेस बग करती नहीं करती। आप देखते हैं, ब्राइटनेस लेवल बिल्कुल ओके वर्किंग है हमारी यहाँ पे। ठीक है, नाइट लाइट भी देख लेते हैं, सेट कर लेते हैं यहाँ पे। रिसेंट ये भी बिल्कुल ओके वर्किंग है हमारी, ये तो ओके वर्किंग है। अडाप्टिव ब्राइटनेस हमारी बिल्कुल ओके वर्किंग है, मैंने टेस्ट कर ली थी। वॉलपेपर आपको मिल जाएंगे इसके अंदर, देख लेते हैं कौन से वॉलपेपर मिलेंगे इसके अंदर। ऑन डिवाइस वॉलपेपर एक ही है इसके अंदर, बाकी आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से इजीली। लॉक स्क्रीन डिस्प्ले में चलते हैं, यहाँ पे लॉक स्क्रीन डिस्प्ले में आपको फोन नोटिफिकेशन हो जाएगी। यहाँ पे वेंट टू शॉर्ट टाइम एंड आइकन ये देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। यार जैसे हमारा एम्बिएंट डिस्प्ले बिल्कुल ओके वर्किंग है यहाँ पे, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो कहते हैं हम इसे, 11.64 है यहाँ पे, बिल्कुल ओके वर्किंग है ये तो। चलिए, वैसे कोई दिक्कत नहीं है इसमें, थोड़े बहुत बग्स मिलेंगे आपको, जैसे इंटरनेट का ये चल नहीं रहा, पता नहीं क्यों, मैं तो बहुत ट्राई कर रहा है, पता चला नहीं है। ठीक है, तो मैं अभी देख लेता हूँ, डार्क थीम चेक कर लेते हैं यहाँ पे हमारी। यहाँ पर हमारी डार्क थीम भी बिल्कुल ओके वर्किंग है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल ओके है। चलिए वापस वाइट कर देते हैं, यहाँ पे एशियन कलर मिल जाएंगे आपको, टील आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं थीमिंग यहाँ पे चेंज हो चुका है हमारा यहाँ पे, और चीट भी कर सकते हैं आप यहाँ पे, ये देख सकते हैं यहाँ पे पर्पल हो गया हमारा यहाँ पे। ठीक है, हेडलाइन बॉडी फोन पे चेक कर लेते हैं क्या ये, या हेडलाइन चेंज हो गई जैसे आपको डिस्प्ले पे देखा, सॉरी यहाँ पे मैं आप देख सकते हैं बिल्कुल चेंज हो चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर मैं वापस सेम कर देता हूँ जिससे आसानी रहे। आइकन शेप मिल जाएंगे आपको, टीयर डाउन राउंड रेक्टेंगल मिल जाएंगे यहाँ पे, आपको ये देख सकते हैं यहाँ पे चेंज हो चुका है यहाँ पे, बिल्कुल ओके वर्किंग है ये भी हमारा यहाँ पे। यहाँ पे सारी डिस्प्ले में सारी चीज़ें चल रही है। साउंड चेक कर लेते हैं यहाँ पे, साउंड वर्क करते नहीं करते, तो साउंड जैसे बिल्कुल ओके वर्किंग है हमारी। वाइब्रेशन बिल्कुल ओके वर्किंग है, नेविगेशन बार हमारे वाइब्रेट हो रहे हैं, और स्क्रीन साउंड भी बिल्कुल ओके वर्किंग है, सब कुछ ओके वर्किंग है इसमें, बस इंटरनेट की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, बाकी मैं देख लेता हूँ इसका फिर से। स्टोरेज आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसमें हमारी फाइल पड़ी है इसमें 701 GB कुछ फाइल पड़ जाएगी यहाँ पे इसमें अंदर, 1 GB फ्री कर लीजिए यहाँ से आपको, 8.81 10 GB के आसपास मिल जाएगी आपको इसके अंदर, कोई 9.5 लगा लो आप 16 GB में से। सिक्योरिटी में चलते हैं यहाँ पे, लोकेशन तो बिल्कुल ओके वर्किंग है, वहाँ पे हम फिंगरप्रिंट चेक कर लेते हैं, फिंगरप्रिंट भी बिल्कुल ओके वर्किंग है यहाँ पे। हम टेस्ट भी कर लेते हैं एक बार कि स्पीड कैसी है, फिर मैंने टच करा, ये ओपन हो गया। एंड्रॉयड 10 के हिसाब से वो ठीक है, वो बाकी जो भी एंड्रॉयड 10 के रोम्स है उसके हिसाब से बिल्कुल सेम ही है इसकी स्पीड, एंड्रॉयड 10 के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। एंड्रॉयड 10 में ज़्यादा फास्ट हो भी सकती है, फिर से टेस्ट कर लेते हैं। आपको गूगल अकाउंट लॉग इन करना पड़ेगा तब आपको फेस अनलॉक मिलेगा, ओनली ऑन बॉडी डिटेक्शन मिल रहा भी खाली, मैंने फेस अनलॉक उसमें गूगल अपना अकाउंट डाल नहीं रखा है, तो इस वजह से गूगल कैमरा नहीं मिल रहा इसके अंदर, गूगल कैमरा कह रहा वो स्मार्ट लॉक। ओके ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं सिस्टम में अपडेट्स, आपको अपडेट्स ऐसे नहीं मिलेंगे, आपको ट्रीडो वाईपी से अपडेट करने पड़ेंगे। गेस्टर्स में चलते हैं यहाँ पे, गेस्टर्स आप देख सकते हैं, स्क्रीन ऑफ गेस्टर्स मिल जाएंगे आपको यहाँ पे, बाकी इसमें कोई दिखाने ड्रो पैटर्न हो, टैप ऑन स्क्रीन टू परफॉर्म एक्शन, पे बैक कंट्रोल मिल जाएगा आपको अंदर, स्क्रीन ऑफ, लॉन्ग प्रेस वॉल्यूम की स्किप, म्यूजिक स्किप कर सकते हैं यहाँ से, स्क्राइब टू फिंगरप्रिंट मिल जाएगा आपको, चेक कर लेते हैं एक बार, वर्क ही नहीं कर रहा, हो गया बिल्कुल ओके वर्किंग है ये भी हमारा। वाइब्रेट है आप देख सकते हैं यहाँ पे, सेट कर सकते हैं सिस्टम नेविगेशन टू बटन, गेस्टर्स मिल जाएंगे आपको अंदर देख सकते हैं यहाँ पे, बिल्कुल ओके वर्किंग है यहाँ पे। जंप टू कैमरा, कैमरा कैमरा भी आपको चेक कराया था मैं, कौन सा कैमरा मिलेगा आपको इसके अंदर, इंस्टॉल पहले से ही आप गूगल कैमरा फ्लैश कर सकते हो इसमें इजीली। चलिए, और बाकी वाईफाई भी चेक कर लेते हैं, वाईफाई वर्क करता नहीं करता हमारा यहाँ पे।
जैसे हमारा वाईफाई भी ग्लो के वर्किंग है, वाईफाई नेटवर्क आ रहा है हमारे दूर से है, रेडमी थोड़े दूर है तो इस वजह से टावर भी कम आ रहे हैं इसके अंदर। हॉटस्पॉट भी चेक कर लेते हैं इसके अंदर, ब्लूटूथ भी ग्लो के वर्किंग है इसका, हॉटस्पॉट भी ग्लो के वर्किंग है आप देख सकते हैं यहाँ पे। गेमिंग के हिसाब से तो एंड्रॉयड 10 वर्जन वाली रोम मत इंस्टॉल करना अगर आपको गेमिंग करनी है तो, गेमिंग करनी है तो 8.1 या 9 एंड्रॉयड 9 पे जाना वो सबसे बेस्ट रहेगी गेमिंग के लिए, एंड्रॉयड 10 पे मत जाना। ठीक है आप जैसे प्ले स्टोर भी ग्लो के वर्किंग है हमारे यहाँ पे, ये चेक कर लेते हैं ये क्या है, ABSTRUCTF स्टार पता नहीं क्या है ये, ठीक है नेट और इसका कुछ मॉडिफिकेशन का ही है ये। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर यूजिंग चैनल में भी। वॉलपेपर्स हैं इसमें, आपको वॉलपेपर्स मिलेंगे आप डाउनलोड कर सकते हैं इजीली यहाँ पे। ठीक है यहाँ पे स्टाइल्स हैं वॉलपेपर का भी मिल जाएगा, एक ही वॉलपेपर मिलेगा आपको जैसे मैंने बता दिया था पहले। चलिए यहाँ पे कैमरे चेक कर लेते हैं, ओपन कैमरा ये शायद से चेक कर लेते हैं हम, ओपन कैमरा नहीं है सिंपल ये कैमरा जो आपको रोम से मिलता है बिल्कुल बेकार सा कैमरा, कुछ ज़्यादा खास तो होता नहीं। आप गूगल कैमरे से फ्लैश कर सकते हो बिल्कुल ईजी है फ्लैशिंग, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। चलिए मैं ऐसे बताता हूँ आपको कैसे फ्लैश करनी है इस रोम को। इस रोम को फ्लैश करने के लिए आपका फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए, आपके फ़ोन में ट्रीड वार्पी भी फ्लैश होनी चाहिए। अगर आपको पता आपको अनलॉक करना बूट लोडर और ट्रीड वार्पी फ्लैश करनी है तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा अनलॉक बूट लोडर का भी और ट्रीड वार्पी का भी। ठीक है आप देख सकते हैं वहाँ पर जाके, बाकी आपको एक रोम सा मिल जाएगा इसमें ब्लू कलर का, ओके है। चलिए अब इसमें फ्लैशिंग भी चलते हैं, ट्रीड वार्पी में चलते हैं पहले रिकवरी मोड में। चलिए दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हम अपने रिकवरी ट्रीड वार्पी मोड में पहुँच चुके हैं। सबसे पहले मैं बैकअप के लिए डाटा ये आपको 5 आइटम देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, ये आपको सेलेक्ट करनी है, टिक कर देनी है, फिर आपको यहाँ से आपको स्वाइप कर देना है, फिर यहाँ से आपका बैकअप स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे सिलेक्ट स्टोरेज अपना इंटरनल स्टोरेज में कर सकते हैं, फिर आपको बाद में ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी अपनी फाइल वहाँ पे कंप्यूटर में, क्योंकि हमारी इंटरनल स्टोरेज जो है फॉर्मेट हो जाएगी। तो अपना आप माइक्रो एसडी में बैकअप करना या यूएसबी में करना बैकअप, या इंटरनल स्टोरेज में कर सकते हो, फिर बाद में ट्रांसफ़र कर सकते हो। उसके बाद आपको बैकअप कंप्लीट होने के बाद आपको फिर से होम पेज पे आ जाना है, होम पेज पे जाने के बाद आपको वाई पे क्लिक करना है, वाई पे क्लिक करने के बाद आपको फॉर्मेट करना है, फिर यहाँ से आपको यस टाइप कर देना है। अगर आपका फॉर्मेट नहीं हो रहा तो आप एडवांस वाइप भी कर सकते हो पहले, जो अब मैं फॉर्मेट की बात करूँगा। चलिए यहाँ से हमारा फॉर्मेट कंप्लीट हो चुका है, अब आपको एडवांस वाइप पे क्लिक करना है। आप एडवांस वाइप भी पहले कर सकते हो, फॉर्मेट भी कर सकते हो, जो मर्जी। ठीक है आपको डॉल्बी सिस्टम डाटा कैच वेंडर आपको 5 आइटम सेलेक्ट करनी है यहाँ पे। ठीक है 5 आइटम सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे स्वाइप कर देना है, कुछ सेलेक्ट नहीं करना, ओनली 5 आइटम्स। फिर यहाँ से आपको जब वाइप कंप्लीट हो जाएगा फिर आपसे होम पेज पे आ जाना है, फिर आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है। अब आपको फाइल अपने ट्रांसफ़र करनी है जहाँ से आपको इंस्टॉल करनी है, सेलेक्ट कर लीजिए स्टोरेज, आपको माइक्रो एसडी करनी है तो माइक्रो एसडी से स्टोरेज इंस्टॉल करनी है, रोम तो माइक्रो एसडी या यूएसबी। मैं इंटरनल स्टोरेज से करूँगा, मैं अभी पीसी से ट्रांसफ़र करूँगा अपने इंटरनल स्टोरेज में पीसी इस फ़ोन के। ठीक है आप इंटरनल स्टोरेज से भी कर सकते हो। चलिए दोस्तों यहाँ पे मैंने ट्रांसफ़र कर लिया अपनी फाइल इंटरनल स्टोरेज में, चलिए यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करना है। आपको ट्रांसफर करने के बाद आपको दो फाइल्स मिल जाएगी, आपको ओपन गैप्स में फ्लैश नहीं मिलेंगे, आपको अलग से फ्लैश करने पड़ेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे ओपन गैप्स है, एक पैरानोइड है, यहाँ पे पैरानोइड की हमारी क्वार्टर्स जेड देख सकते हो, ये 1 नहीं यहाँ पे 10 आना था, यहाँ पे थोड़ा रीनेम में दिक्कत होगी। यहाँ पे देख सकते हैं डेवलपर, अब ये डेवलपर में अभी इस वजह ज़्यादा अभी स्टेबल नहीं है रोम, बेटा वर्जन ही अभी इसका टेस्ट हो रहा है अभी एंड्रॉयड 10 वर्जन। ठीक है यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है, फिर आपको यहाँ से स्वाइप करना है, जैसा कुछ भी आइटम दिखना हो यहाँ से आपको स्वाइप कर देना है। यहाँ से आप डायरेक्ट ऐड भी कर सकते हो मोर्चे पर, मैं अभी बाद आपको अलग अलग करके दिखाऊंगा। यानी यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो फ्लैशिंग है स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पे, टारगेट जैसे शाओमी रोजी का है हमारा फ़ोन, रेडमी 5 के लिए दूसरे फ़ोन के लिए चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, अगर प्रोवाइड अगर अवेलेबल होएगा तो मैं प्रोवाइड करवा दूँगा। वैसे अवेलेबल शायद ही होएगा, मतलब किसी किसी फ़ोन के लिए होएगा, सभी फ़ोन के लिए अवेलेबल नहीं है अली रोम। ठीक है अभी रेडमी 5 के लिए देख सकते हैं, अभी रेडमी 5 हमारा ये, चलिए इसे फ्लैश होने देते हैं, थोड़ा टाइम लग जाएगा फ्लैश होने में से। चलिए दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो हमारी फ्लैशिंग है, जो हमारी रोम की फ्लैशिंग है वो कम्प्लीट हो चुकी है। अब आपको फिर से बैक जाना है, यहाँ से अब आपको ओपन गैस फ्लैश करने हैं। मैं भी माइक्रो यूज़ कर रहा हूँ तो आप इसमें कोई भी यूज़ कर सकते हो, स्टॉक वाले भी यूज़ कर सकते हो, जो जो अवेलेबल होएगा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा दोनों फाइल्स का, ओपन गैप्स का भी और इसका भी रोम का लिंक भी। ठीक है 2020 वर्जन है, 7 फरवरी का है, ठीक है 7 फरवरी का 2020। ठीक है यहाँ से आपको ओपन गैप्स पे क्लिक करना है, यहाँ से आप देखना कोई भी आइटम टिकना हो यहाँ से आपको स्वाइप कर देना है, चाहे तो आप रिबूट भी कर सकते हो इंस्टॉलेशन आफ्टर इंस्टॉलेशन। ठीक है और आपको गूगल कैमरा फ्लैश करना है तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप देख सकते हैं कैसे आपको इंस्टॉल करना है गूगल कैमरा इसके अंदर, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जरूर चेक करना, ईजी है इंस्टॉलेशन बिल्कुल। ठीक है यहाँ से हमारी जो फ्लैशिंग है स्टार्ट हो चुकी है, ओपन गैप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं माइक्रो यूज़ कर रहा हूँ, एंड्रॉयड 10 वाले फ्लैश करने हैं आपको, एंड्रॉयड 9 वाले मत फ्लैश करना, वो फ्लैश नहीं होने और आपका फ़ोन ख़राब हो जाए तो उसका ज़्यादा रिस्क हो जाएगा, तो आप जो जोन से उसका ओपन गैप से उसी रोम का फ्लैश करना, और एंड्रॉयड 10 रोम है तो एंड्रॉयड 10 के ही, एंड्रॉयड 9 है तो एंड्रॉयड 9 के ही। ठीक है
यहाँ से जो हमारी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है। चलिए थोड़ा टाइम लग जाए फ्लैश होने में, फ्लैश होने के बाद मिलते हैं आपसे। चलिए दोस्तों अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो फ्लैश यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। हमारे दोनों हमने दोनों रोम एक दो रोम और ओपन किया, दोनों फ्लैश कर लिए सक्सेसफुली। आपको यहाँ से रिबूट कर दें, कोई एरर नहीं आया हमारे में, ठीक है। अच्छा कोई एरर नहीं है, फिर रोम में भी और उसमें भी अगर आपका डाउनलोड ठीक हुआ है तो, अगर आपका बीच में इंटरप्ट ना हो डाउनलोड तो ठीक है। यहाँ से आपको लोगो मिल जाएगा, पहले एम आई का देखने के लिए लोगो मिलेगा, इसके बाद आपको पैरानॉइड रोम का लोगो मिल जाएगा। आप देख सकते हैं हमारे पैरानॉइड रोम का लोगो कुछ ऐसा सा है। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं बाकी सेटअप सेम ही है, जैसे आप रीसेट करते हो फ़ोन बिल्कुल सेम है, इजी है सेटअप, बिल्कुल आप कर सकते हो इजीली। चलिए इस वीडियो में इतना, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना।